सामने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों द्वारा एक स्कूली छात्र को पीटने का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दबंग लाठी डंडों से एक छात्र को पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं इस घटना पर पुलिस के देरी से पहुंचने की बातें भी सामने आ रही हैं। ये पूरा मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के शेख दहीर का है। फिलहाल पुलिस ने छात्र के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि परिजनों की तरफ से दी गई तहरीर में छात्र के अपहरण के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक अपहरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। छात्र को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्या हुआ आपके साथ? हमारा भतीजा जो स्कूल से श्री मॉन्टेसरी स्कूल से आ रहा था, रास्ते में कुछ लोगों ने रोक करके और लाठी डंडों से लैस होकर पिटाई की और अपहरण करने की नीयत से उसे गाड़ी में लादना चाहते। हमारा लड़का जो है स्कूल गया था पढ़ने, कक्षा छात्र का 7 का छात्र है, पढ़ने गया था। वहाँ से लौट रहा था, कुछ गाँव के दबंगों लोग जो है 5 से 7 लोग उसको बिलोरो में लाद रहे थे और उसको मारा पीटा। बेहोशी की हालत में गांव के लोग जब दौड़े, रास्ता राहगीर लोग तो उसको छोड़ के भगे हैं, तो उनको सूचना मिली है, तब हम जिला अस्पताल लेकर आए हैं। पुलिस भी ढीली चल रही है, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही। पहले से अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो ये नौबतें नहीं आती। वो एक छात्र को पिटाई की घटना सामने आई, हालांकि उन्होंने जो तहरीर दी उसमें अपहरण का भी उन्होंने जिक्र किया है। जो वादी ने तहरीर दी उसके आधार पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है, लेकिन प्रथम दृष्टया जहाँ से अपहरण की बात झूठी निकली है, बच्चा रिकवर्ड है हमारे पास, उसका मेडिकल कराया गया है। अभियोग पंजीकृत करके जो उससे संबंधित अभियोग थे उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बहराइच से इनसाइड न्यूज़ के लिए अनुराग गुप्ता की रिपोर्ट।